हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट जैसा हमने आपको वादा किया था कि हमारे चैनल सेटअप होने से पहले भी हम इम्पोर्टेंट कर्ेंट अफ़ेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे तो इसी में हम आज लेके आए हैं महाराष्ट्र का शक्ति एक्ट महाराष्ट्र असेंबली ने दिसंबर 2021 को एक इम्पॉर्टेंट एक्ट पास किया था जिसका नाम था महाराष्ट्र शक्ति एक्ट और शक्ति क्रिमिनल लॉज महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट आइए जानते हैं कि क्या है ये एक्ट क्या है इसके प्रोविजन और क्यों है ये इनको जानना इम्पॉर्टेंट इस एक्ट को पास करने से महाराष्ट्र कंट्री का सेकंड स्टेट बन गया है आफ्टर आंध्र प्रदेश जहाँ पे कि डेथ पेनल्टी जो है वो रेप और गैंग रेप के लिए दी जा सकती है इस एक्ट को पास करने से कई सारे एग्जिस्टिंग लॉज में चेंज हुए हैं जैसे कि लॉज ऑन रेप गैंग रेप एसिड अटैक सेक्चुअल हरेसमेंट अंडर द आई और प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि पॉस्को एक्ट उसमें भी चेंज किए गए हैं वहीं प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें भी चेंज किए गए हैं आइए देखते हैं कि क्या इसके मेन चेंजेस हैं फर्स्ट मेन चेंज तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं उनको अमेंड किया गया है ताकि जो डेथ पेनल्टी है एज अ पनिशमेंट फॉर रेप और गैंग रेप के केस में दी जा सके जो एग्जिस्टिंग लॉ है रेप का उसमें डेथ पेनल्टी सिर्फ रिपीटेड ऑफेंसेस में ही दी जा सकती है सेकेंड इम्पॉर्टेंट चेंज है कि एक्ट ने एनहेंस किए हैं फाइन्स एंड पनिशमेंट फॉर सेक्शुअल अफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड माइनर्स वहीं पॉस्को एक्ट की बात करें तो पॉस्को एक्ट में भी इस एक्ट ने चेंजेस किए हैं और पनिशमेंट दिया है फॉर पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असल्ट टू डेथ पेनल्टी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज ये एक्ट लेके आया है वो ये है कि जो ट्रायल होगा इन केसेस में वो डे टू डे बेसिस में होगा और कंप्लीट किया जाना चाहिए विद इन थर्टी वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी विद इन वन मंथ ऑफ फाइलिंग द एफ आई जो है कंप्लीट की जानी चाहिए जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर मंथ बट ओनली बाय स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस बाई गिविंग स्पेसिफिक रीजनस इन राइटिंग अनदर इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो ये है कि अगर किसी को एसिड अटैक से ग्रीवियस हर्ट होती है तो वहाँ पर जो सजा है उसको मिनिमम पंद्रह साल कर दिया है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द रिमेंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ अलॉन्ग विद फाइन वहीं अगर वॉलन्ट्री थ्रोइंग एसिड हो या अटैम्प्ट थ्रोइंग ऑफ एसिड हो तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वह एनहेंस कर दी गई है मिनिमम ऑफ सेवन ईयर्स एंड मैक्म टू ऑफ टेन ईयर्स वहीं जो फाइन अमाउंट है वो इन केसेस में इंक्लूड करेगा मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी फेस रिकन्स्ट्रक्शन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है कि जो कैटेगरी ऑफ पर्सनस जिनको कि एग्रिवेटेड पनिशमेंट के लिए लायबल पाया जा सकता है उसमें इंक्लूड किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लॉइज़ और जैसे कि जो प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस टू द बिल्डिंग इस एक्ट के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मोबाइल डेटा कंपनीज़ हैं उनको मैंडेटरी है डेटा शेयर करना इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए और ये सारा डेटा विद इन थ्री वर्किंग डेज जो है शेयर किया जाना चाहिए अदरवाइज़ जो है इम्प्रिजनमेंट uh, हो सकता है मैक्सिमम थ्री मंथ्स का या फाइन लग सकता है ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज़ का वहीं इस एक्ट में एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है वन टू थ्री इयर्स की और फाइन हो सकता है वन लाख रुपीस का वहीं अगर बेल की बात करें तो ये एक्ट बोलता है कि एसिड अटैक्स रेप्स गैंग रेप्स में जो बेल है वो सिर्फ सेशन कोर्ट या हायर कोर्ट ही ग्रांट कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल भी जो है वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की गई है तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शक्ति एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक एक्ट जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है तो इस पर आप एग्जाम में क्वेश्चन पा सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पर कि हम फ्री पी और फ्री नोट्स देते हैं थैंक यू